सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। Yeah.
वैष्णो माता जी की संध्याकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामृत से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हैं। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं, सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। ध्यान ओम विद्युत्तम समप्रभा मृगवते स्कन्दस्तदामेशनाम कन्याविकरवालजेठविलसत् हस्ताभिरासेविताम् हस्ते चक्रगदाधिजेठविशिखात् शवंगणंदर जये विप्राणामनलात्मिकां ज्योतिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ देव्योवाच देवितवेशमामित्रं सोचतेजः समाहितः यस्यां सकलामादां नाशयिष्यामि संशयम् मधु कैरवनाशं च महिषासुरगातनं कीर्तयिष्यन्ति एतावत्परं जुम्बनजुम्बयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसा शोषन्ति चैव देवक्ता मम माहात्म्योत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्च दुष्कृतोता न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न च वेष्टविशोचनम् शत्रुतो नाम तस्य दस्युतो वानराजतः नाशत्राणरतो योगा कदाचित् सम्भविष्यति तस्मामेतन्माहात्म्यं भवेदभ्यं समाहिते श्रोतव्यं च सदा वक्त्या परं स्वस्य जनयतत् उत्तरकालशेषान्तो महामारे समद्भवान् तदा त्रिविधमुत्पादम् आहार्यं शमजे मम यत्रैतत्पठते सम्यक् नित्यमायतने मम सदानातद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे सुतं बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकारे महोत्सवे सर्वमनेतच्चरितम् उच्चार्यं शाभ्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तदा कृताम् प्रतिशिष्याम्यहं प्रेता भन्योमं तदा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते जा च वार्षिके तस्यामेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ते समन्विता सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशया श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तदा ज्योत्पत्तया शुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् ऋपवः सन्द्रियं जान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु शोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाः च मां जान्ति ग्रहपीडा च दारुणा दुःस्वप्नं च निवर्तिष्ठं दुःस्वप्नम् उपजायते बालग्रह विभूतानां बालानां चान्धकारकं सङ्घातभेदे जनिनां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं वरं रक्षाभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनं सर्वं ममेतन्माहत्यं मम सन्निधिकारकम् पशु पुष्पाद्यरूपे च गन्धदीपे सतोत्तमे विप्राणां भोजने होमे प्रोक्षणीयर्हर्निशम् अन्ये चापि विधे भोगे प्रधानेर्वत्सरेण च प्रीतिर्मे क्रियते साध्यं साकेषु चरते श्रुते श्रुतमारति पापानि तथा योग्यं प्रयच्छति
रक्षा करोति भूतेभ्यः जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं जन्म दुष्टदेत्या निवरणम् तस्मच्युतभिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तदयोजाश्च ब्रह्मर्युरीकृता ब्रह्मणा च कृता तस्तु प्रयच्छन्ति जुवामतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि तावग्नि परिवारितः दस्वभिर्वावृता जोन गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुजातो वा वने वावनहस्तुभिः राज्ञा क्रुद्धेन जाग्यप्तो भद्रो भण्डगतोऽपि वा आगुर्णितो वा पातेन स्थिता भूते महानवे परस्तु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे च दारुणे सर्वाभागासु घोरासु वेदनाभ्यादृतोऽपि वा समर्मे तश्चैतं नरो मोचेत सङ्गणात् मम प्रभावा सिंहादस्योगरिणस्तदा दूरादेव परायन्ते सरसश्चैतं मम ऋषिर्वाच हितरुक्त्वा त्वा भगवते चण्डिका चण्डविक्रम पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तर्धीयत देवि देवानिरातङ्कः स्वाधिकाराञ्जदा पुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रुर्विनियकारिणा दैत्याचदव्यानेत्र चुम्बे देवरिपोषति जगद्विध्वंसनी तस्मे महागृहदुर्विक्रमे विशुम्बे च महावीर्ये शेषा पातालमाजलु एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् एतन्मोय देवेश्वं सेव विश्वं प्रसूयते साजाचिता च विज्ञानं तुष्टा ऋद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं दयेत सकलं ब्रह्माण्डमनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सेवकाले महामारी सेवश्रेष्ठभवत्या स्थितिं करोति भूतानां सेवकाले सनातने भवकालेनां सेव लक्ष्मीर्वृद्धिर्प्रदाये सेवाभावे तदा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते सुधा सम्पूजिता पुष्पैरूपगण्डादिभिस्तदा ददातिभित्तं पुत्रा च मतिं धर्मे गतिं शुभाम् ॐ अथ सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रम् श्रीवाच शृणो देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेन चण्डी जापः शुभो भवेत् नाकवचं न जला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सुप्तं नापि ध्यानं च नान्यासो न च वाचनं कुण्डिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत् अधिगुह्यतरं देवी देवानाम विदुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयो नैरवपार्वते नारणं मोहनं वचन सन्वनो जातनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्ध कुञ्जुका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वलहं संलं जं वर्स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनि नमः केतवहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनि नमस्ते शुम्भहन्ते च निशुम्भासुरघातनि जाग्रतमीमादेवी जपं सिद्धिं कुरुष्व हृङ्गारी सृष्टिरूपाय हृङ्गारी प्रतिपादिका हृङ्गारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्तुते चामुण्डा चण्डगाती च जयकारी वरदायिनि विच्चे चावयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणि गां ह्रीं धूं दुर्जटे पतने गां ह्रीं भूभागलेश्वरि ग्रां ग्रीं ग्रों कालिका देवी श्रां श्रीं श्रूमे शुभं गुरु हों हों हुङ्काररूपिण्ये जं 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 वनादिनि राम रीम रोम
विभद्रे भवाने ते नमो नमः अंकं चं तं तं पं यं चं बिंदुं एं बिंहं चं दिराग्रं दिराग्रं त्रोटे त्रोटे दिप्तं कुरु कुरु स्वाहा पांतिमों पार्वती पूर्णा कांतिं कुंके चरितदा सांतिं तुं सप्तति देव्या मंत्रसिद्धिं कुरु स्वने इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे अवद्येनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठे न तस्य जायते सिद्धे अरण्ये रोदनं यथा ॐ श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद व्यास जी द्वारा विरचित मार्कंडे प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री दुर्गा आप दुर्धारा सुगम नमस्ते शरण्ये दिवेशानुकम्पे नमस्ते जगज्जातिदेवेश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तार नमस्ते महाज्योति विज्ञान नमस्ते नमस्ते सदानंद रूपे नमस्ते जगत्तारिणी त्रय दुर्गे अनाथ दीनस्य त्रिजनातुरस्य भयातस्य भीतस्य स्वेकागदेवनिस्तारकर्तृ नमस्ते जगत्तारिणीत्राय अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमस्य जये सङ्कटे राजके प्रवासे स्वेकागदे अपारे महादोषरे चन्द्रगोरे विपत्सागरे वजदे हवाजं स्वमेका गदिर्देविनिस्तारलोका नमस्ते जगत्तारिणीत्राय दुर्गे नमश्चण्डिकचण्डदोर्दण्डलीला समुर्चण्डिताकण्डलाजे शत्रु त्वमेका गतिर्विघ्नदण्डोऽर्त्रि नमस्ते जगत्तारिणीत्राय दुर्गे त्वमेका ददारा जगत्तारिणीत्राय
Thank you.
अथ क्षमा प्रार्थना अपराध दत्राणि क्रियन्ते श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्षगणनाद करेंगे। एक साथ उच्च स्वर से, लंबे स्वर से, हृदय से वास निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन परम स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो। ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओम का रख्य गनाद कीजिएगा। ओंकारं बिन्दुं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगीजन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से, उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार, उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशिष्ट रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सचिया ज्योता वाली माता तेरी जयकारा शेरा वाली जीदा
अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। और जो वैष्णो में पूर्ण होती है, वर्ण भक्ति भक्ति में श्रद्धा विश्वास एवं एकाग्र चित्ति हो। ये यथा माम प्रबद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, मुझको जो जिस प्रकार भजता है मैं उसको वैसा ही प्राप्त होता हूँ। अर्थात जैसी जैसी मनोकामना भक्त जन माता जी के दरबार में लेकर के आते हैं वैष्णो में पूर्ण होती है। एवं अनन्याश्च चिन्तयन्तो माम ये जनाः भजुपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यहम्। और भक्तजन अनन्य भाव से अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करते हैं, उनका योगक्षेम भी मैं स्वयं वहन करता हूँ, श्री कृष्ण गीता में उपदेश दे रहे हैं। स्वयं माता जी ने भी इन्हीं पद में स्तोत्रों में जिनका आपने पाठ किया अपने ही महात्मा प्रकट करते हुए कहा हुआ है, एवी स्तवेश्च माम नित्यं स्तोत्रे या समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्य संशयम्। जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तोत्रों से मेरा स्तुवन करेगा उसकी सारी बाधा मैं निश्चय दूर कर दूंगी। विशेष रूप माता कह रही है कि मधु कैडुम नाशम च महिषासुर घातनम कीर्ति यश्चंद ये तद्वधम शुम्भ नशुम्भ। जो मधु कैडु का नाश महिषासुर का वध तथा शुम्भ नशुम्भ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टम्याम च चतुर्दश्याम नवम्याम च एक चेतसा शोषंती चेब जय भक्त्या मम महात्म उत्तमम। अष्टमी चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित हो भक्तिपूर्व मेरे उत्तम महात्मा श्रवण करेंगे, न तेषाम दुष्कृतम किंचित दुष्कृतोत्था न चावदा भविष्य न दारिद्र्यम न चैवेश, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा, उन पर पाप जड़ित आपत्तियां भी नहीं आएंगी, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विषयों का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, शत्रु तो न भयम दस दस न रायता न शस्त्रानुल तो घात कदाचित संभविष्य। उन्हें शत्रु से लुटेरों से राजा से शस्त्र से अग्नि से ताजाल की राशि से कभी भय नहीं होगा। इसलिए माता कह रही है कि तस्मान ममेतन महात्म्यम पठितव्यम समाहिते ही श्रोतव्यम च सदा भक्त्या परम सहस्त्रनित। सबको एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्व मेरे इस महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए, ये परम कल्याणकारक है। सचिया ज्योता वाली माता तेरी जयकारा शेरा वाली जी दा। इस जगत में केवल हम ही भक्त पर नहीं, राजा महाराजाओं अथवा देवताओं पर नहीं, स्वयं दैत्य भी या गौर संकट बढ़ जाते हैं। उस समय वे भी इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण करते हैं और तब माता रानी जी उनकी स्तुतियों द्वारा भी प्रसन्न होकर के उनका भी कल्याण करती हैं, उनके भी मनोरथों को सिद्ध करती है। प्राचीन काल में देवताओं तथा दैत्यों में घोर संग्राम हुआ था, जिसमें देवताओं की सेना के नायक इंद्र भगवान थे और दैत्यों की सेना के नायक प्रहलाद जी थे। ये 100 वर्ष तक युद्ध होता रहा, ये मुनियों को विस्मित कर देने वाला था। इसमें दैत्यों की विजय हुई और फलस्वरूप देवताओं को स्वर्ग छोड़ना पड़ा। तब सभी देवगण गुरु बृहस्पति की शरण में गए और बृहस्पति ने उनको दुर्गा माता की आराधना करने का परामर्श दिया। स्वयं इंद्र भगवान देवताओं के साथ दुर्गा माता की स्तुति करने लगे हैं कि हे माँ, आप अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति हैं, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को शक्ति से संपन्न करके उनसे सृष्टि का सृजन पालन संहार कराती हैं। हे माँ, आप प्रकट हो और इन दैत्यों द्वारा शासित हमारे स्वर्ग से इनको हटाएं और हमको पुनः स्वर्ग की प्राप्ति कराएं। तब माता रानी प्रसन्न हुई। इंद्र ने कहा कि हे माँ, जिन भक्तों ने आपकी स्तुति की है पूर्व काल में, वही इस जन्म में राजा देखे जाते हैं और जो आपकी भक्ति से वंचित रहे हैं वो दुख रूपी समुद्र में डूबे देखे जाते हैं। जिनके जो उत्तम जो सामंतों के साथ चल रहे हैं, आमोद प्रमोद में संलग्न हैं, उत्तम हाथियों पर आरूढ़ हैं, उनके बारे में निश्चित रूप से सोचता हूँ कि उन्होंने पूर्व काल में आपकी भक्ति की है और जो आपकी भक्ति भावना से वंचित रहे हैं वो दुख रूपी समुद्र में डूबे देखे जाते हैं। जब माता ने ऐसी स्तुति सुनी तो माता जी सिंह पर आरूढ़ होकर के शंख चक्र गला पद्म धारण करके वहाँ प्रकट हुई। उनके शरीर की आवा जो दाड़म के पुष्प के समान थी, उन लाल वस्त्र पहने हुए थे, उनके नेत्र वर्ण थे और उन्होंने देवताओं की सेना में आकर कहा कि देवताओं, आपको किस प्रकार का कष्ट है, आपको मैं अभय दान देती हूँ,
आप सभी का दुख दूर करने के लिए मैं कल्प वृक्ष के समान हूँ, ऐसा कह करके माता रानी जी दानवों की सेना में गई। जब प्रहलाद ने देखा कि माता रानी जी यहाँ पर आई है तो उसने कहा कि निश्चित रूप से ये नारायण जी के साथ मिलकर आई है, इन्होंने पूर्व काल में जो चंडमुंड का वध कर दिया था, अपनी वक्र दृष्टि से मधुकेतु का वध किया था, महिषासुर का वध किया था और ये हमारा भी वध कर देंगी, इसलिए हमको जहाँ से भागना चाहिए जी। परंतु भागते हुए उन राक्षसों को नवजी ने समझाया कि आप भागते हुए दैत्यों का मातारानी वध कर देंगी, आपको इन्हीं की शरण में जाना चाहिए, इन्हीं की स्तुति करना चाहिए, तभी ये आपका कष्ट दूर करेंगी। उस समय दैत्यराज प्रहलाद जो भगवान विष्णु के भक्त थे उन्होंने दुर्गा माता की स्तुति आरम्भ की, हे माँ हम दैत्यों तथा देवताओं में आप भेदभाव क्यों कर रही हैं, प्राणों में आप विश्वजननी कह गई हैं और फिर भाई भाई में विरोध कैसा, जिस प्रकार हम स्त्री पुत्र इत्यादि के मोह में रहते हैं इस प्रकार ये देवता भी रहते हैं और हम भी कश्यप जी की संतान हैं और ये देवता भी कश्यप जी की संतान है, फिर भाई भाई में विरोध क्यों है। निश्चित रूप में ऐसा सोचता हूँ कि अपने मनोविरोध के लिए ही आपने ऐसा किया है, नहीं तो आप भाई भाई में विरोध नहीं करती। जब ऐसी स्तुति की प्रहलाद ने माता जी से तो माता जी प्रकट हुई और उन्होंने दैत्यों से कहा कि आप जो है अभी भैर भाव छोड़ करके सभी जो है क्यों जो पाताल लोक में चले जाओ, क्योंकि प्रहलाद ने कहा था कि हम माता आपकी ही शरण में हैं, आप जैसा समझे ठीक करें। माता ने कहा कि वहाँ शांत चित्त होकर के आप वैर भाव छोड़ करके पाताल में रहो, क्योंकि सत्य योग में सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होने पर जिन लोगों को संतोष नहीं रहा वो दुखी रहे हैं, इसलिए आप शांत चित्त से वैर भाव छोड़ करके देवताओं के साथ जो पाताल लोक में हैं। तब सभी जो दैत्य ने कहा कि ठीक है, माता जी द्वारा रक्षित सभी देवता जो है वो दैत्यगण पाताल में चले गए और वहाँ शांत भाव से रहने लगे और फलस्वरूप से देवताओं को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। कहने का तात्पर्य यही है कि जबकि माता रानी उन दैत्य भागते हुए दैत्यों का वध कर रही थी, करना चाहती थी, परंतु शरण में जाने पर माता जी ने दैत्यों पर भी कृपा की। आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनका उन्हीं के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी, महान सरस्वती जी आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप से केवल यहीं विराजमान होती आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक हैं, ऊपर के तीन स्वरूप और उन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बह रही हैं, जिसमें आप स्नान करते हैं, चनावत ग्रहण करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर प्राकृतिक रूप से विराजमान गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक तथा प्रहलाद जी और साथ में माता जी वरद हस्त भक्तों को प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीम के चरण से धन ऐश्वर्य मिलता है, क्लीम के चरण से शक्ति प्राप्त होती है, चामुंडा माता जी का नाम एवं विच्चे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवारण मंत्र का उच्चारण माता के चरण बैठे हुए हम सभी भक्तगण तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविच्चे 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 सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में नित्य प्रति स्थानों उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं जो तो अपने मन में संजोए माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सचियां जोतां वाली माता तेरे सदा जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्तगण उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता के बेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री जयपाल जी से अपनी मधुर भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री जयपाल।
दर्शन दिखाने को
Jai Kara Lala Hai, 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 Jai Kara Lala Hai,
ਸੰਤੋਖ ਕਰਿਆ ਸੀ ਯਸ਼ ਪਾਲ ਜੈ ਕਰ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਮੰਗੀ ਮੈਂ ਮੁਰਾਦ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ ਪਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ ਪਈ ਮੰਗੀ ਮੈਂ ਮੁਰਾਦ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ Hey!
सच्चे दरबार की जय। तेरा उचड़ा पवन रंगी लड़ा ते विच पिंडी सूरज लैके निकलदा तेरी ज्योति तो प्रकाश है ਮਿਠਾਣਾ ਏ ਜਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
कार्यते जनमाय प्यासे मेरे नैने माती दार दे सच्चे दरबार की जय। ओम उद्यत भानु सहस्र कांति मरुण क्षौमां शिरो मालिकां रक्तालिप्त पयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरं हस्ताब्जै दधतीं ते नेत्र विलसत् वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धिमांशुरत्त मुकुटां वन्देरविन्दस्थितां शच्यां ज्योतां बलि माता ते सदा जय कर शेर बलि जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। आज की परम पावन संध्या कालीन आरती वेला में दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांगन में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज अष्टमी तथा चैत्र शुभ संक्रांति के दिन माता जी के चरणों में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अष्टमी नवमी और चतुर्दशी को की ही माता पूजा से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। ओम पुनस्तादित्या रुद्रावसवः समिन्दतान् पुनर्ब्रह्मानो वसुदीथ जद्देहि हितेन त्वं तन्नो वर्धयस्य सत्याः सन्तु जजमानश्च कामः मन्त्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव क्षीरवर्चस्य आयुष्यमारोग्यमावेदात् शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं चत्सम्वत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपका आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सच्चियां ज्योता वाली माता तेरे सदा जय कर शेर वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए काली बिराते माता जी आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है, आपकी पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर भी आरती है, सभी बोलेंगे। ओम जय अम्बे गौरी कैया जय श्यामा गौरी कैया जय मंगल करती
के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि ध्वजो जहि,
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती अक्रम देखिएगा। जय माता दी।
ज्यादा हो गई आपसे, आप सभी बोल रहे। आज आपको मालूम है क्या दिन है, आज भगवती माता रानी जी के दरबार में आपको ऐसा सुंदर मौका मिला
मैं तो बोलता हूँ ये जो आपने तप किया जहाँ बैठ के, इसी को तप कहते हैं। जो जगत जननी का जहाँ पर बैठ के ध्यान किया, आज भगवती माता रानी जी का संक्रांत का दिन है, अष्टमी का दिन है। आज का दिन आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आज मन था कि जगत जननी माता रानी जी से इतने बड़े दिन में ना कुछ मांगना। वो तो वैसे तो मांगने ही आते हैं जमा से, दो ही चीजें, जब वो खुशियां देती है उसका शुक्रिया करने आते हैं, अगली खुशी मांगने के लिए झोली फैलाने आते हैं। एक ही भावना होती है माता रानी जी के पास आके कि वो हमें किसी ना किसी रूप में मिल जाए, उससे मुलाकात हो जाए, हमारी झोलियां खुशियों से भर दें और माँ हमारी जाए अपनी झोली में बैठा के हमें प्यार दे। ऐसी भावना, ऐसा प्यार। और आज का दिन माता रानी वो ख्वाहिशें आपकी पूरी करे, इच्छाएं पूरी करे। लेकिन आज कुछ खास था, आपसे बात करने का मन था। बीच बीच में आपसे बात होती रहती है। आपको मालूम है थोड़े दिन पहले आपका अपना श्राइन बोर्ड, मैं इसलिए जी आपका श्राइन बोर्ड है, इनको नंबर वन का खिताब मिला था। किस चीज में? सफाई में। ये ऐसा तभी संभव हुआ कि ये जो श्राइन बोर्ड का पूरा स्टाफ, हमारे सफाई कर्मचारी, सभी जो भी सेवा में है, वो मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हैं, और जो जो हमारा ये जो आप सारा श्राइन परिवार जो जहां बैठे हैं, आज आप जहां बैठे हैं कल घर में होंगे, जैसे जहां से जुड़े हैं वहां से भी आप घर से भी ऐसे ही जुड़े हुए मिलोगे। यहां की इसलिए आपको आदत डालता हूं कि ऊंचे स्वर में जय मां की बोलिए, अपनी आवाज जय माता तक पहुंचाइए, ताकि कल जब आप घर से जय मां को पुकारोगे तो पता चल जाएगा ये आवाज किसकी है। इतनी भीड़ में भी वो तो पहचान लेती है, लेकिन मेरा आपको चार्ज करने का मतलब समझाना है कि ताकि आपकी माता रानी जी से बात हो सके। तो वो जिस सब जो नंबर वन का खिताब मिला, वो तभी मिला आप सबकी जागरूकता से। मैं बार बार बोलता हूं, आप अपनी मां के पास जब आते हैं प्लास्टिक वगैरह मत लाया कीजिए, उससे क्या होता है प्रदूषण फैलता है। फिर भी गलती से कहीं आपके पास आया है तो उसको जो श्राइन बोर्ड ने कदम दर कदम पे डस्टबिन लगाए हैं उसमें डाल दीजिएगा। उसमें क्या है कि जो उसको सही तरीका है डिस्पोज करने का, श्राइन बोर्ड उसको वहां ले जाके, ताकि कभी भी प्रदूषण ना फैले। और जब आप बाथिंग गार्ड में, माता रानी जी के स्नान गार्ड में नहाते हो, अपने वस्त्र वहीं फेंक देते हो, वो आदत घर वाली पुरानी मत फेंकिए। देखिए आप जब मां के घर में, आप अपने माता रानी जी का स्नान गार्ड जहां से हम अमृत लेते हैं, माता रानी जी का चरणों का जल वहां जाता है, आप स्नान करते हो, स्नान मात्र से ही आपके जो है कष्ट सारे खत्म हो जाते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। वहां पर आप अपने वस्त्र मत फेंका कीजिए, वहां भी डस्टबिन लगा है, जहां तो अपने साथ लेके जाइए या वहां पर भी डस्टबिन में रख डाल के दीजिए, ताकि स्वच्छता बनी रहे। जहां स्वच्छता है वहीं भगवान है। आप चाहे घर में अगर दरिद्रता डालेंगे तो वहां भी भगवान नहीं बसेंगे। ऐसे ही अपने मन के अंदर भी आप दरिद्रता डालोगे, वहां भी मन के अंदर भी भगवान नहीं रहेंगे। मां तो बड़ी दूर की बात है। आप जी, आपका श्राइन बोर्ड है, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, ये सभी आपके सहयोग के, अच्छे अच्छे विचारों के साथ आप अपने श्राइन बोर्ड के साथ जुड़िए, तन मन और धन के साथ। एक इच्छा है, सुनते हैं बाकी माता रानी जहां, तो किसी चीज की कमी नहीं है, कार्य शुरू करना है, क्योंकि जहां पूरी महालक्ष्मी पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली है, लेकिन फिर भी जो हमसे बन पड़ता है, मैं बाप को बार बार बोलता हूं, आप 10 रुपया चढ़ाते हो तो 1 लाख का मजा मिलता है। वो कैसे? वो सारा आप ही की सुविधाओं के लिए लगा है।
तो माता रानी आप अपने दरबार में तन मन धन के साथ, तन के साथ इसलिए जो भी आपको रास्ते में कोई ऐसे माता रानी हम नहीं आपको बोले आप ऐसे की, ये पूरा श्राइन बोर्ड ने व्यवस्था की है, लेकिन फिर भी हमारी मां का घर है, हम अपने मां की राहों में चल रहे हैं, तो अगर वो वहां फिर भी आपको ऐसा कुछ लगता है तो उठा के डस्टबिन में डाल दीजिएगा, देखिए कैसे स्वच्छता बनी रहती है। फिर आप मन के साथ जुड़िए, अच्छे अच्छे विचार, आपको कोई तकलीफ है या आप सुधार चाहते हैं, आप अपने श्राइन बोर्ड को दीजिए सुझाव। ये श्राइन बोर्ड है जहां सिर्फ 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 आप ही की चलती है, आपके सुझाव के ही चलते हैं, आप अच्छे अच्छे विचार भेजिए। और धन के साथ, धन इसलिए वो आपकी सुविधाओं के लिए, रोज देखिए नए 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 नया आप सबके लिए, अभी दूर क्यों जाना भी देखिए, पहले ही आपको अभी जैसे आज बैठे थे तब कर रहे थे बर्फ गिरना शुरू हो गई, लेकिन सारा बंद हो गया, आपको ठंड लगना बंद हो गई, तो जी आप ही के पैसे आपकी सुविधा के लिए। और देखिए इस बार आप सबने ध्यान नहीं दिया होगा कि इस बार जो बर्फ पड़ी अभी तक मेरे ख्याल से 8-10 बार बर्फ गिर गई है, और जिंदगी में पहली बार हमने ऐसी बर्फ देखी है इतनी बार बर्फ गिरते हुए। क्यों? क्योंकि सारा जंगल जो है स्वच्छ और साफ सुथरा है, तो माता रानी भी खुश है, बार बार बर्फ गिरा जाती है। तो जब आप माता रानी जी का पूरा वातावरण साफ है, तो आप जब घर से चलोगे तो आपकी मनोकामनाएं मां नाम से ही आपकी जो है इच्छाएं माता रानी आपकी पूरी कर देगी। दूसरा, मैं आपके मन की और सच्चे दिल से ये बात कहना चाहता था, बहुत खुशी हुई, मैं अभी तीर्थ करने गया था, काफी जगह घूमा, लेकिन मन के अंदर हृदय के अंदर ऐसी खुशी हुई कि जो स्थान, जो व्यवस्था, जो अरेंजमेंट अपने श्राइन बोर्ड का, अपनी मां के जहां देखा, ऐसा कहीं साफ सुथरा सुख सुविधा ऐसी कहीं नहीं मिली जो वैष्णो देवी दरबार में मिली। आप सबके लिए सुविधा है, इसलिए इसको आप अपना माता रानी जी का अपने जब मत्था टेकते हो, अरदास मांगते हो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने श्राइन बोर्ड की तरक्की के लिए भी मांगा कीजिए। जब आप मत्था टेकते हैं तो जगत जननी माता रानी, यही मांगता हूं माता रानी जी से और आपको यही आशीर्वाद भी देता हूं कि जगत जननी माता रानी आपकी इच्छाएं पूरी करें, मनोकामनाएं पूरी करें, झोलियां खुशियों से भरें, हाजरियां कबूल करें और आप सबको अपने दरबार में जल्दी जल्दी बहुत सारी खुशियों के साथ फिर से अपने दरबार में बुलाएं। सभी बोलेंगे गूंज के साथ, लेकिन न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। जही इच्छा से आप बैठे हुए हैं जहां पे, किसी ना किसी रूप में आपकी माता रानी जी से मुलाकात हो जाए, आप जा रहे हैं गुफा में, जग जननी बैठी है, वो आपको मिलेगी। और आप अपने मन के साथ जो भी इच्छा है, देखिए जितना मर्जी सोच के जाइए वहां पर आप बोल नहीं सकते, वो आपका इच्छा अनुसार आपके कर्मों के अनुसार आपको मिल जाएगा। हम जब दरबार में आते हैं, दुनिया के हमारे कर्म जो होते हैं उनकी तकलीफें, कुछ हमारे समाज की तकलीफें, जो हम जहां दरबार में आते हैं तो माता रानी जी से वही मांगने आते हैं कि माता रानी वो कष्ट दूर करे, यही मांगने आते हैं, अपनी तकलीफें चढ़ाने के लिए, खुशियां भर के लेके जाने के लिए। सभी जनी मांगते हैं ना माता रानी जी से, दुनिया दे दुखा मैनू जद भी रुलाया मां, दुनिया दे दुखा मैनू
जद भी सताया मां जद भी मैनू लोड़ पे हे मां जद भी मैनू लोड़ पे तेरे कोल आया मां दुनिया दे दुखां मैनू जद भी सताया मां एक बार मैया मेरी तकदीर संवार दे गोदी बीच लेके मैनू मामा वाला प्यार दे गोदी बीच लेके मैनू मामा वाला प्यार दे इसलिए तेरे दर पर मैं आया हूं जद भी मैनू लोड़ पे जद भी मैनू लोड़ पे तेरे कोल आया मां दुनिया दे दुखा मैनू जद भी सताया जयकारा शेरां वाली दा ऐसे जयकारा जोर से गूंज के साथ सभी को आरती का आनंद आया आनंद में समय लगता है ये समय भी बार बार मौका जिंदगी में नहीं मिलता तो जब भी आप सभी को आनंद आया ना आरती का किस किस को आया किसी को आ रहा है किसी को नहीं हाँ ऐसे ही जब आप जयकारा बोला कीजिए गूंज के साथ और अपने हाथ माता रानी जी की तरफ करके यकीन मानिएगा ये क्यों हाथ करते हैं ये हाथों की लकीरें हैं तो हमारे हाथों में लेकिन मुट्ठी में उसकी है ये तकदीरें संवारती है दिखा दो उसकी तरफ और मां जो भी है हमारी तकदीरें बना देना सभी गूंज के साथ ऐसी आवाज के साथ बोलिएगा बोलो सच्चे दरबार की बोलो सच्चे दरबार की बोलो सच्चे दरबार की आशीर्वाद जय माता दी जय माता